अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा, वो भी बीफ का। तो ये हैं आलू, काट के रखे हैं। ये है प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया, और ये थोड़ा सा दही है। और ये है साफ़ सुथरा, मैंने कीमा धो के इसको फ्रीज़ किया हुआ था तो ये निकाला है। और मसाले मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी क्या क्या डालेंगे। और ये है हांडी, और मैं ये बनाऊंगी हांडी में। ऑयल मैंने डाल दिया, 1 कप ऑयल डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी आलू। सबसे पहले मैं इसमें आलू की भुनाई करूंगी। आलू को तल के मैं निकाल दूंगी। ऑयल ज़्यादा डाला है और बाद में ऑयल निकाल दूंगी। आलू हो गए रेडी, बस इतने ही हमने इनको थोड़ा सा करना है फ्राई, और फिर इस प्लेट में डाल देंगे। प्याज को हम करेंगे फ्राई। बस हांडी में ऐसे ही होता है, इसको ज़्यादा काला या बहुत ब्राउन नहीं होना होता। ये ब्राउन ही है, लगता वाइट है, लेकिन ये जब पकता है तो बिल्कुल इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये नहायत आसान तरीका है, हर बच्चियों को चाहिए कि ये सीखे। ये देखिए, ये अब अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी कीमा। ये बिल्कुल बर्फ बना हुआ है, लेकिन चंद ही मिनटों में ये पिघल के ठीक हो जाएगा। साथ ही डालूंगी टमाटर, 1 छोटा सा टमाटर, और ये दही फेंट के अच्छी तरह ताकि लंप ना बने। दही डाल देती मसाले में, बाद में डालूंगी, थोड़ा सा इसको अलहदा होने दें। मसाले हम ये डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, नमक अपनी ज़रूरत, हल्दी आधी टीस्पून, और धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, ज़रा ज़्यादा डालनी चाहिए। आप चाहें तो अजीनो डाल दें, पाकिस्तान में अजीनो मिलती नहीं है तो फ्रांस से मंगाती हूँ जब मेरी बेटियाँ आती हैं। तो आप 1 चिकन क्यूब डाल दें, गरम मसाला और मेथी ये एंड में डालेंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में मैंने आपको बताया कि ये 2 मसाले एंड में डालेंगे, मेथी और गरम मसाला, बाकी सारे अभी इसी में डालेंगे। तो कीमा देखें कितना अच्छा भुन गया है। अदरक लहसुन से बड़े गोश्त में ना बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से आप पकाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब इसमें मैं डालूंगी नीम गरम पानी 1 गिलास। आलू में थोड़ा पानी खुश्क होगा तब डालना, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी 50% पके हुए। तो कीमा हो गया रेडी, पानी बहुत थोड़ा सा अभी रहता है। इसमें अब मैं डालूंगी आलू। थोड़ा इनको दम दूंगी ताकि ये जो थोड़े बहुत कच्चे हैं पक के इसी कीमे में ना भुन जाए। तो चेक करते हैं, सालन हो गया बिल्कुल तैयार, आलू कीमा हो गया बिल्कुल तैयार, ऑयल ऊपर आ गया। देख
अब एंड में मैंने डालना है गरम मसाला और मेथी। और डालनी है सब्ज धनिया और मिर्ची, सब्ज मिर्ची डाल दी। अब इसे हिला के थोड़ा मैं दम दूंगी ताकि मिर्चों का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हो गया बिल्कुल रेडी, देखिए ऑयल ऊपर आ गया मज़ेदार। अब सर्व करके आपको दिखाएंगे। यहाँ लाइट नहीं है तो इसलिए इसी लाइट में मैंने गुजारा किया। तो सर्व करके आपको डाइनिंग पे बताऊंगी, दिखाऊंगी। और कीमा आलू तैयार हो गया और अब हम लस्सी डाल रहे हैं। साथ लस्सी है, मज़ेदार सी घनी घनी अच्छे दही की, घर का बना हुआ दही है। मलाई ये ना डालो, बड़ा सादा, बिल्कुल सादा। ये देखें, चलिए तीन बंदों की हो गई। अब डालनी है, डालना है कीमा। वाह मज़ेदार आलू कीमा तैयार है। और साथ सैलेड, रोटी लो। असल में तो कीमा है जो मज़ेदार है, पहले इसको खाओ फिर बताओ। मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है। वाह मामा मज़ेदार है, ज़बरदस्त। अच्छा नमक कम है, गरम मसाला। अच्छा अच्छा, तो ये देखें जी, अभी तक इस हांडी में ना उबाल आ रहा है। चले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।